हो गया था, है ना, हमने फिनिश कर दिया था, फिनिश कर दिया वन पैरा समथिंग, इसमें रिमेनिंग था वन और टू पैरा। लेकिन लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों का ये जो लेक्चर था वो फर्स्ट लेक्चर था, इस फिर से स्टार्ट किया था, है ना। आज ट्राई करते हैं कि ये हम जो चैप्टर है ये चैप्टर पूरा फिनिश कर दें। जिस दिन हम स्कूल आए थे उस दिन ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था, और आपको बोला भी था कि आप चैप्टर फिनिश कर लीजिएगा, कुछ पैराज बचे हुए हैं। लेकिन था कि कुछ कुछ लोगों की लास्ट जो क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, तो हमने सोचा था कि फिर से स्टार्ट कर ले, क्योंकि लोगों का फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा अनकन्वीनियंट ना हो। तो अभी हम क्या करते हैं, ये चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेते हैं। आज इसमें से आप लोगों में से किसी भी फर्स्ट क्लास है जो फर्स्ट डे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, किसी की फर्स्ट क्लास है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, किसी की फर्स्ट क्लास नहीं है। तनिषा की फर्स्ट क्लास नहीं है ये? तनिषा बेटा मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी फर्स्ट क्लास नहीं है, आपने नो सर। अटेंड की? यस सर। ठीक, वेरी गुड। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कौन सा पैरा तक कंप्लीट किया था, कोई बता पाएगा मुझे? लास्ट टाइम, अभी जब हमने लास्ट क्लास ली थी, कल ही क्लास थी हमारी लास्ट, उसमें कौन से नंबर तक के पैरा तक हमने कंप्लीट किया था बेटा? सेकेंड नंबर, फोर्थ पैरा तक। चलिए तो आज उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन आपको दिख रही है सबको? सर। वेरी गुड। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज पैरा नंबर फोर से। फोर्थ हमने कंप्लीट कर लिया था, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं पैरा नंबर फोर से। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था कि ये जो फ्यूचर स्टोरी है इसमें टू बॉयज होता है, एक बॉय होता है, एक गर्ल होती है, मार्गी एंड द टॉमी। और टॉमी को क्या होता है, एक रियल बुक मिलती है, जबकि उनका स्कूल फ्यूचर स्कूल है, उसमें रियल बुक्स नहीं होते, उस टाइम रियल बुक्स अवेलेबल नहीं होते, बस उस टाइम टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होती हैं। तो क्या होता है कि टॉमी को एक बुक मिलती है, और फिर उस बुक, वो बुक का जो सब्जेक्ट होता है स्कूल ही होता है। तो उस टाइम स्कूल में क्या होता था, कैसा होता था, और ये स्टोरी उस पे चलते हैं। चलिए तो हम पैरा नंबर फोर से चालू करते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, हम पैरा थ्री से चालू करते हैं। ओके देखिए यहाँ पे लिखा है मार्गी वॉल्स, मार्गी वॉल्स है स्कॉर्नफुल, मार्गी वॉल्स है स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्गी वॉल्स स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हैड स्कूल, है ना। यहाँ पे जो टॉमी बोलता है कि एक बुक स्कूल के बारे में लिखी हुई है, तो मार्गी स्कॉर्नफुली बोलती है कि व्हाट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखी हुई है, व्हाट्स देयर टू राइट, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या होता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल को ना पसंद करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, हेटेड सेकेंड फॉर्म है, मतलब हमेशा वो ना पसंद करती थी, बट लेकिन नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब ये स्कूल को सबसे ज्यादा ना पसंद करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग, मतलब कि दे रहा है कंटिन्यूअस है, जब कंटिन्यूअस टाइम के साथ आ जाता है तो हैड बीन
यूज होने लगता है, यूज होने यूज हम करने लगते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मैकेनिकल टीचर हैज बीन गिविंग, मैकेनिकल टीचर दे रहा है हर टेस्ट, उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट टू टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन द जियोग्राफी। मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट के बाद से टेस्ट देते जा रहा है जियोग्राफी में। एंड और सी हैड been doing worse and the worse until her mother had shaken her head so sorrowfully and sent for the counter inspector. क्या होता है कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है, जो रोबोट है, वो रोबोट क्या कर रहा है कि उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट देते जा रहा है, और जो मार्गी है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसकी माता जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, और फिर वो रोबोट को काउंटर इंस्पेक्टर के पास ले जाती है। काउंटर इंस्पेक्टर मतलब कि वो पर्सन जो रोबोट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे रिपेयर करता है, उसे ये बोल रहे हैं काउंटर इंस्पेक्टर। अब पैरा नंबर 4, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। काउंटर इंस्पेक्टर का आप डिफाइन कर रहे हैं, काउंटर इंस्पेक्टर को बता रहा है कि काउंटर इंस्पेक्टर कैसे दिखते हैं, तो बताया जा रहा है कि he was round little man, तो counter inspector था, वो round little man था, he was round little man, आ गया क्या स्कूल से? He was round little man with a red face and full box of the tools with dials in the wall। अभी भेज रही है जो काउंटर इंस्पेक्टर होता है, एक राउंड लिटिल मैन होता है जिसका फेस रेड होता है, और उसके पास टूल बॉक्स होते हैं जिसमें सभी डायल्स, वायर और डायल्स होते हैं। ही स्माइल्ड एट द मागी एंड गिव हर एन एप्पल। वो मागी को देख के स्माइल करता है और उसे खाने के लिए एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो जो मैकेनिकल टीचर होता है जियोग्राफी वाला, उसे अपने रिपेयरिंग रूम में लेके जाता है, वहां से लेके जाता है अपार्ट। मार्गी हेड होप्ड टू वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी ऐसा होप करती है, आशा करती है कि जो काउंटर इंस्पेक्टर है, काउंटर इंस्पेक्टर अगर इसने डिसअसेंबल कर दिया है उस रोबोट को, तो ये क्या करे कि फिर से ये असेंबल कर दे उस रोबोट, सॉरी इसने डिसअसेंबल कर दिया मतलब इसने रोबोट को खोल दिया है, तो ये भूल जाए कि इस रोबोट को फिर से असेंबल कैसे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्गी हैड होप टू वुडंट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगेन। मार्गी ऐसा सोच रही है, मार्गी ऐसा आशा हो मतलब आशा करना, ऐसा आशा करती है कि ये जो काउंटर इंस्पेक्टर है वो भूल जाए कि इसे फिर से असेंबल कैसे करना है। यहाँ पे नीलेश महाली ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, दीपिका तिवारी ने ऑन नहीं किया है, हर्षिता प्रजापत ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है ना, मुझे बोलना पड़ता है तब आप ऑन करते हैं, आप सिस्टमैटिक ऑन करके बैठे भैया। प्राची रजक बेटा आपका कैमरा ऑन करें। ठीक, तो यहां तक हो गया। Then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. मतलब उसे मालूम है, काउंटर इंस्पेक्टर को मालूम कि कैसे सही होगा, and after an hour or so, और वो एक घंटे में ऐसा ठीक करके ठीक कर देता है मैकेनिकल टीचर को, it was again, फिर से वो सही कर देता है। Large and the black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब ये बताया जा रहा है वो मैकेनिकल टीचर के बारे में, मैकेनिकल टीचर मतलब वो कंप्यूटर होता है, और वहां पर बताया जा रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटर है, वो लार्ज है, ब्लैक, अगली बदसूरत दिखता है, विद अ बिग स्क्रीन, और उसमें एक बिग स्क्रीन है, एक बड़ी सी स्क्रीन है जहां पे सभी लेशन फ्लैश होते हैं और सभी क्वेश्चन वहीं पे फ्लैश होते हैं, वहीं पे शो होता है, वहीं पे आता है।
इट वॉज सो बैड, ये बहुत ही ये बहुत ही खराब होता है, ये बहुत ही मतलब मार्गी को अच्छा नहीं दिखता है। द पार्ट ऑफ अ मार्गी हैटेड, हाँ, द पार्ट ऑफ मार्गी हैटेड मोस्ट वॉज द स्लोट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मार्गी को सबसे ज्यादा खराब जो स्पॉट लगता है वो कौन सा लगता है, तो वो स्पॉट लगता है जहां पे मार्गी को होमवर्क देना होता है। होमवर्क यहाँ पे लिखा है द स्लॉट वेयर द सी हैड टू पुट होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर, मतलब वो स्लॉट उसे काफी खराब लगता है, या वो मैकेनिकल वो पोर्शन काफी खराब लगता है जहां पे मार्गी को होमवर्क देना होता है और जहां पे उसे टेस्ट पेपर देने होते हैं, मतलब जहां पे होमवर्क पंच करना होता है, टेस्ट पेपर पंच करना होता है, वो स्लॉट मार्गी को काफी खराब लगता है क्योंकि उसे डेली वर्क करना पड़ता है। सी ऑलवेज हैडेड टू राइट देम आउट इन अ पंच पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, बताया जा रहा है कि और ये जो होमवर्क है जो क्वेश्चन टेस्ट पेपर आ रहे हैं उसे उसे पंच कोड में राइट करना होता है, क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो पंच कोड कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझता है और उसे वो पंच कोड बोलते हैं। और ये मार्गी ने ये लैंग्वेज कब सीख ली थी, जब वो 6 इयर्स की थी तभी उसने ये पंच कोड वाली लैंग्वेज सीखी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही ये टेस्ट पेपर या क्वेश्चन का आंसर देती है तो मैकेनिकल टीचर को थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता है और वो क्या करता है कि फटाफट इसका आंसर वो फ्लैश कर देता है, या उसके मार्क्स टेस्ट में उसे कितने मार्क्स आए वो फ्लैश कर देता है। हाँ जी बेटा, अब आगे देखिए आगे वाला पैरा नंबर 5 बताया जा रहा है। इन द सॉरी द इंस्पेक्टर हैज स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इंस्पेक्टर स्माइल करता है जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है। एंड पैटेड मार्गिस हेड और मार्गी के हेड को पैट करता है। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, वो उसकी मम्मी को मार्गी की मम्मी को बोलता है, मदर को बोलता है कि मैम ये मार्गी की कोई मिस्टेक नहीं थी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है द जियोग्राफी सेक्टर वाज ग्रीडेड और लिटिल टू क्विक, ये जियोग्राफी का सेक्टर जो था वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। दोस थिंग्स हैपन समटाइम, ये कुछ समय हो जाता है ऐसा। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल एक्चुअली, और मैंने इसे आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर। चलिए, तो हमने अभी तक यहाँ हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज ग्रेडेड अ लिटिल टू progress is quite satisfactory and the pattern margins had again, है ना? वो बता रहा है कि भैया ये प्रॉब्लम कुछ टाइम हो जाती है लेकिन मैंने इसे सही कर दिया है, ये थोड़ा सा क्वाइट सेटिस्फैक्टरी पैटर्न है लेकिन अब हमने सही कर दिया है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी ये सुन के कि ये मेरा कंप्यूटर सही हो गया है, वो क्या करती है थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाती है, उदास हो जाती है क्योंकि वो तो ऐसा चाहती है
कि मुझे कुछ दिनों के लिए इसे छुट्टी मिल जाए. सी हैड बीन होपिंग, वो ऐसा सोच आशा कर रही होती है. दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर, और ये कि ये जो काउंटर इंस्पेक्टर है टीचर को अपने साथ लेके जाएगा. दे हैड वंस टेकन टॉमस टीचर अवे फॉर नियरली अबाउट अ मंथ, क्योंकि ये टॉमी के टीचर को एक बार लेके गए थे अपने साथ समथिंग एक महीने के लिए. टॉमिस टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लेंड आउट कंप्लीटली. हिस्ट्री का जो सेक्टर था उसमें से पूरा ही गैप हो गया था. काउंटेंस फैक्टर था एक महीने के लिए उसे लेके गया था. सो इसलिए सी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती है व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. अब फिर से प्रेजेंट की स्टोरी चलने लगी और वो टॉमी से बोलती है कि यार कोई क्यों स्कूल को स्कूल के बारे में लिखता है. बेटा यहाँ पे ना आप लोगों में से किसी ने आपका स्पीकर ऑन करके रखा है, आप स्पीकर को प्लीज ऑफ करें. एक्चुअली क्या क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है और अगर जैसे आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मुझे यहाँ से सबको म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है क्लास में मेरे आवाज के अलावा की आवाज फिर आएगी. जिसका भी स्पीकर फुल वॉल्यूम पे है उसे आप एकदम लो वॉल्यूम पे रखें और माइक को आपके माइक को भले बंद करके रखें कि आपके तरफ से आवाजें ना आए. टॉमी अब प्रेजेंट स्टोरी चलने लगी. टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आईज. सुपीरियर आईज मतलब होता है कि जब हमें किसी चीज को जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं और किसी को जब हम बताते हैं तो वहां पे सुपीरियर मतलब हम पहले से उस चीज के बारे में काफी कुछ जानते हैं. तो यहाँ पे लिखा है टॉमी लुक, टॉमी देखता है हर फेस विद वेरी सुपीरियर आईज. टॉमी उसके फेस को देखता है बहुत सुपीरियर आईज से. बिकॉज इट इज नॉट ऑल काइंड ऑफ द स्कूल स्टूपिड, और बोलता है कि क्योंकि ये स्कूल के बारे में इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे काइंड का स्कूल नहीं है. हमारे काइंड का स्कूल नहीं है स्टूपिड. This is the old kind of the school that they had 100 of years ago. ये old type के school है जो आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले हुआ करता था. He added loftily, carefully, centuries ago. वे थोड़ा बोलता है कि centuries ago मतलब 100 साल पहले का ये स्कूल है जिसके बारे में इस बुक में प्रिंट हुआ है. मार्गी वो हर्ट, मार्गी हर्ट होती है. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ द स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मुझे नहीं मालूम उस टाइम कैसे स्कूल होते थे. इसका कोई क्वेश्चन है रिश्ता प्रजापति, आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट? आपने हैंड रेस किया है कृष्णा, कोई डाउट हो रहा है बेटा? नो सर. अच्छा तो हैंड रेस आपका हो गया था, कुछ लगा बेटा तो मुझे आपको समझ में आया कि यार ये 100 सेंचुरीज बिफोर का स्कूल है. अकेले मत करना उसको, साथ में रखो. वो गजने की बेटा मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ. जब किसी को कोई क्वेश्चन है ना तो आप हैंड अप कीजिएगा, है ना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि क्लास में ना मेरे अलावा भी बहुत सारी आवाजें आ रही. चलिए तो यहाँ पे फिर से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. मार्की वॉज हर्ट, मार्की हर्ट होती है. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उस टाइम कैसे स्कूल होते थे मुझे नहीं मालूम. सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए वो टॉमी के शोल्डर के ऊपर से बुक पढ़ती है, क्योंकि टॉमी नीचे बैठ के पढ़ता रहता है. तो टॉमी के शोल्डर के ऊपर से बुक पढ़ते कुछ समय के लिए. सी रीड बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. और फिर वो पूछती है कि ठीक है क्या उनके पास एक टीचर होता था.
तो यहाँ पे देखिए बताया टॉमी रिप्लाई करेगा श्योर श्योर दे हैड अ टीचर, उनके पास श्योरली एक टीचर होता था, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. ये रेगुलर टीचर नहीं होता था. रेगुलर टीचर मतलब यहाँ पे देखिए बाजू में सेंस लिखा है, जो मैकेनिकल टीचर होते थे उसे ये रेगुलर का सेंस दे रहे हैं, रेगुलर बोल रहे हैं. तो ये बोल रहा है कि नहीं वो रेगुलर टीचर नहीं होता था, इट वाज अ मैन, वो एक आदमी होता था. A man? How could a man be a teacher? अब मार्गी पूछ रही है कि यार एक man कैसे teacher हो सकता है? Well, he just told the boys and the girls things and gave them homework and asked them questions. और वो बोल रहा है कि वो कैसे बता पाएगा किसी चीज को सभी बच्चों को, वो कैसे question दे पाएगा और कैसे homework दे पाएगा. A man isn't smart enough. मार्गी फिर से बोलती है एक आदमी जो है इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है या नहीं होता है. श्योर ही इज माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर. अब टॉमी बोल रहा है कि यार ये नहीं हो सकता, मेरे पिताजी भी ऐसा हो सकता है कि आदमी भी टीचर हो सकता है, क्योंकि मेरे फादर जो है ना वो उतना ही जानते हैं जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है. He knows almost as much I better, है ना. और वो बोल रहा है कि मेरे टीचर ज्यादा ही जानते होंगे. I better मतलब मैं ऐसा बैट लगाता हूँ तुमसे. मार्गी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want to a strange man in my house to teach me. मार्गी उस पर डिस्कस नहीं करना चाहती थी और वो बोलती है कि यार मैं ना किसी स्ट्रेंज वन को, किसी अनजाने व्यक्ति को अपने घर में अलाउ नहीं करूंगी कि वो आके मुझे पढ़ाए. मार्गी टीच मी. टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर. टॉमी स्क्रीम करता है मतलब बोलते हुए हंसता है, हंसते हुए बोलता है. यू डोंट नो मच मार्गी, तुम बहुत ज्यादा नहीं जानती हो मार्गी. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर ये हाउस में नहीं रहता था, मतलब हाउस में पढ़ाने नहीं आता था. यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड वेंट किड्स वेंट देयर. और वो बता रहा है कि मार्गी किसी के घर पढ़ाने नहीं, सॉरी टीचर पढ़ाने, मार्गी टीचर किसी के घर पढ़ाने नहीं आता था. उसके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहां पे जाते थे सीखने, उससे पढ़ने जाते थे, उससे सीखने जाते थे. अभी क्या होता है, अभी हमारे वहां टीचर पढ़ाने, मतलब हमारे वहां मैकेनिकल क्लासेस होती है तो टीचर पढ़ाता है, लेकिन उसके वहां ऐसा नहीं था और टीचर उसके वहां नहीं पढ़ाता था. टीचर तो एक बिल्डिंग होती थी, सभी बच्चे वहां पे जाते थे. हाँ फिर यहाँ पे बता रहे टॉमिस नेक्स्ट. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. और सभी बच्चे सेम चीज सीखते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के होते थे तो सेम चीज सीखते थे. लवीना बेटा आपका कैमरा ऑन करे प्लीज. वो सेम चीजें सीखते थे. लवीना कैमरा ऑन करे. मुझे यहां से समझ में नहीं आता कौन कौन क्लास में है कौन कौन नहीं है, तो प्लीज एवरीवन ऑन योर कैमरास. लवीना आल्सो स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ आपका कैमरा ऑन करें. तो यहाँ पे बोला जा रहा है श्योर इफ दे वर द सेम एज, वो सेम एज में थे, अगर वो सेम एज में होते तो वो क्या करते थे, किस सेम चीजें सीखते थे. पैरा नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मम्मी कहती है अ टीचर हैज टू एडजस्ट इट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड द गर्ल्स. इट टीचेस एंड दैट ईच काइंड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. लेकिन अब मार्गी क्या बोलती है टॉमी से कि नहीं, लेकिन मेरी मम्मी तो बोलती है कि जो टीचर को सभी बच्चों के माइंड के हिसाब से फिट होना चाहिए, उन्हें उनके हिसाब से ही जो जिस लेवल का है उसे उस लेवल का ही सिखाना चाहिए. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. वो बोलता है कि यार बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ द ईच बॉयज एंड द गर्ल्स.
teaches and then that each kid has to taught differently, just the same they didn't do. ये सेम वो नहीं करते थे. अब क्या बोल रहा है टॉमी कि यार ऐसा वो नहीं करते थे. दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. वो बोल रहा है कि यार जैसा ये तुम बता रहे हो ऐसा उस टाइम में नहीं होता था. अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम ये किताब ना पढ़ो, ये बुक ना पढ़ो. I didn't like it. अब मार्गी बोली कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं ये पसंद, मुझे ये पसंद नहीं है. मार्गी सेट क्योंकि जल्दी से बोलती है. सी वॉन्ट टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल. वो चाहती है इस फनी स्कूल के बारे में पढ़ना. दे वरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गीज स्कूल. है ना, जैसे ही वो बुक को आधे फिनिश करते हैं तब तक मार्गी की मम्मी आती है और बोलती है कि बेटा स्कूल मतलब स्कूल टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखते, नॉट येट मामा, अभी नहीं मामा, मतलब अभी स्कूल नहीं करते हैं. नाउ अभी उसकी मम्मी बोलती है नाउ सेंड मिस्टर जॉन्स. मिस्टर जॉन्स बोलते हैं नाउ अभी स्कूल आपको जाना पड़ेगा. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर द टॉमी टू. और टॉमी ये तुम्हारे स्कूल का भी टाइम होगा मेरे ख्याल से. मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक some more than with you after school. मार्गी बोलते कि टॉमी से कि यार ठीक है अब तो स्कूल का टाइम है, क्या हम स्कूल के बाद इस बुक को फिर से पढ़ सकते हैं क्या? Maybe. मार्गी बोलता है हाँ. टॉमी बोलता है हाँ शायद. See, he said not challengingly, है ना? देखिए मतलब वो कोई इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट लिए वो बोलता है कि हाँ हम पढ़ सकते हैं. He walked away whistling. वो सीटी बजाते हुए वह चला जाने लगता है. The dusty old book trunked beneath his arm. Trunked beneath his arm मतलब आर्मपिट के अंदर रख के मिजल करते हुए वो चला जाता है. मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम. इट वॉज द राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. मार्गी उसके क्लासरूम में जाती है और उसका क्लासरूम कहाँ है, उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट वाला रूम है. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द टाइम फॉर हर. और मैकेनिकल टीचर वॉज एंड वेटिंग फॉर हर. मैकेनिकल टीचर वहां पे पहले से ही रहता है और मार्गी के लिए वेट करता रहता है. इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. और ये क्लास हमेशा किस दिन लगती है? सेम टाइम पे लगती है एक्सेप्टेड सैटरडे और संडे. सैटरडे संडे को छोड़ के प्रत्येक दिन सेम टाइम पे क्लास हुआ करती है ना. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. और उसकी मम्मी कहते हैं कि लिटिल गर्ल्स ना अच्छे से मतलब छोटे बच्चियां अच्छे से सीख सकती हैं अगर वो डेली रेगुलर अपने क्लास को अटेंड करे तो. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of the proper fraction. Please insert yesterday homework in the proper slot. क्या बोलता है कि वो जो mechanical teacher मतलब जो screen होती है वो lit up होती है मतलब जलती है. और वहां पे बोला जाता है कि आज का जो लेक्चर है arithmetic का होने वाला है, इसमें हम proper fraction के addition सीखने वाले हैं और कल का आप homework please slot में admit करें. मार्गी डिट सो विद अ शाय. मार्गी ऐसा करती है थोड़ा सा शाय मतलब तो उदास शर्मा के, लेकिन यहाँ पे शर्मा के नहीं, थोड़ा सा करती है धीरे से. सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. मार्गी अभी ऐसा करती तो है स्लॉट में होमवर्क एडमिट करते, लेकिन उसके दिमाग में वही स्कूल के बारे में चलता रहता है जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे और जिस स्कूल में जाते थे उस स्कूल के बारे में सोच रही है. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेवरहुड कैम. सभी बच्चे आस पड़ोस से आते थे. लॉफ्टर लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम. और सभी बच्चे जो भी नेवरहुड के थे वो साथ में आते थे, साथ में जाते थे, साथ में बैठते थे, साथ में खेलते थे स्कूल में. Going home together, घर साथ में जाते थे. At the end of day, जब स्कूल खत्म होता था, they learned the same thing. सभी एक ही चीज सीखते थे.
सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड द टॉक अबाउट इट, और इसीलिए ना सब एक दूसरे की हेल्प कर पाते थे उनके होमवर्क में या किसी दूसरे डाउट्स में. एंड द टीचर वर प्यूपिल, और जो टीचर होते थे वो भी इंसान होते थे. द मैकेनिकल टीचर वो द फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैश करता है. When we add fraction 1 upon 2, when we add fraction 1 upon 2 and 1 upon 4 dot dot dot, और mechanical teacher अब यहाँ पे class चालू हो जाती है और mechanical teacher flash करता है कि जब हम fraction 1 upon 2 plus 1 upon 4 को add करेंगे तो answer क्या आएगा. मार्गी को इसे solve करना है. मार्गी was thinking about, मार्गी अभी भी सोच रही है about उस विषय में, how the kids must have loved it in the old days. बच्चों को ये कितना पसंद आता होगा स्कूल पुराने दिनों में. सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फनी फन दे हैड, और वो उस चीज को सोचते हैं कि वो पुराने दिनों में कितने मजे करते होंगे, क्योंकि स्कूल ऐसा हुआ करता था, सभी बच्चे साथ में हुआ करते थे और सभी बच्चे साथ में मस्ती करते थे, साथ में स्कूल अटेंड करते थे. तो बेटा यहाँ पे हो गया हमारा लेसन नंबर फर्स्ट का ट्रांसलेशन फिनिश. मेरे पास बस एक मिनट बचा हुआ है क्लास ओवर करने में. अगर मैं बोलते हुए क्लास ओवर हो जाए तो आप समझिएगा कि क्लास ओवर हो गई. यहाँ पे मैं